साइकिल को बनाकर ठेला ये आदमी अपना व्यापार करने निकला। ऐसा जुगाड़ लगाया देखने वाले भी करेंगे वाहवाही। पूरे नाश्ते का ठेला आदमी ने साइकिल पर ला दिया। इसका जुगाड़ देख लोगों को भी आइडिया आ गया, अब और कितने खुलेंगे ऐसे व्यापार, क्योंकि इस व्यापारी का जुगाड़ काम कर रहा है। किस चीज का व्यापार है देखिए। बिहार और झारखंड में और बंगाल में जो है ये झाल मुड़ी का काफी प्रचलन है। तो देखिए इनका जो है ये नमक हो गया, और उनके बाद इनका देसी मसाला हो गया, मिर्च हो गया, और ये देखिए ये अचार घर का है। अचार घर का है, घर का अचार हो गया, और ये अब सरसों का चटनी, मतलब पूरी तरीके से जो है बाहर से कोई चीज नहीं है, आपको किसी भी तरीके से जो है हानि नहीं होने वाला है खाने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में, आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम गोड्डा हाट में हैं, और हाट में देखिए ये जुगाड़ गाड़ी, इस पूरे जुगाड़ गाड़ी में आपके नाश्ते का जो है व्यवस्था किया गया है। पहले हम चाहेंगे कि जुगाड़ गाड़ी को देखें कि किस तरीके से जो है जुगाड़ करके जो है पूरी गाड़ी को बनाया गया है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि भारत जो है वो जुगाड़ू देश है, और देखिए कि किस तरीके से जुगाड़ करके जो है ये गाड़ी बनाया गया है। देखिए कितना आइटम इस गाड़ी में है। तो क्या नाम है भैया आपका? निरंजन सर। घर कहाँ हुआ? कनमरा। कनमरा, क्या क्या रखते हैं गाड़ी में? मिक्सर है। क्या क्या है जरा दिखाइए एक तरफ। झाल मुड़ी से देखिए चना चूर है। हाँ? चना भुजा है। हाँ? जाके चूड़ा भुजा हो गया, चावल भुजा हो गया, बादाम हो गया, इधर मूंग हो गया कच्चा में। अच्छा। कच्चा चना, कच्चा मटर। हाँ? और इधर मसाला आइटम है। मसाला घर में बनाते हैं या फिर? घर में बनाते हैं सारा चीज, अपना सारा चीज घर का। अच्छा, कितना कितना का देते हैं? 10 से 20। 10 से 20। हाँ। और क्या कहते हैं कि कहाँ कहाँ जाते हैं आप? अब गोड्डे में, यहीं पे पूरा गोड्डा सफर करते हैं। हाँ, कैसे दिमाग, आइडिया कैसे आया किस तरीके से पूरा गाड़ी जुगाड़ का बना ले? जुगाड़ अपना दिमाग से नहीं बनाते हैं। मतलब अपने से बनाते? हाँ, हैं जी। तो देखिए ये अपने जुगाड़ का गाड़ी है, और जुगाड़ देखिए कितना बेहतरीन है। इस गाड़ी में जो है आपके नाश्ते का जो है पूरा प्रबंध है, और हम फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर चनाचूर है, यहाँ पर जो है चना है, यहाँ पर चूड़ा फ्राई है, और यहाँ पर चूड़ा, और आप देख सकते हैं कि ये पापड़ी है, चावल भुजा है, यहाँ पर बादाम है, यहाँ भी बादाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मूंग है, चना है, मटर है, यहाँ इनका जो देसी मसाला है। आप देखिए तो ये पूरा हाट में भी जिसको चटपटा कुछ खाने का मन करता है तो भाई साहब के पास आते हैं। नाम आपका एक बार बताइए। निरंजन साहब। निरंजन साहब जी है कनभारा के रहने वाले, और मन भर के जो है सबको अभी जो है झालमुड़ी बना रहे हैं। और देखिए ये मूरी भी, देखिए इस टैंकर में मूरी भी रखा हुआ है, बैटरी इनके साथ है, और गाना भी इसमें बजते रहता है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सभी मिश्रण को जो है मिलाया जाता है, और फिर शानदार झालमुड़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। और बिहार और झारखंड में और बंगाल में जो है ये झालमुड़ी का काफ़ी प्रचलन है। तो देखिए इनका जो है ये नमक हो गया, और उनके बाद इनका देसी मसाला हो गया, मिर्च हो गया, और ये देखिए ये अचार घर का है। अचार घर का है, घर का अचार हो गया, और ये अब सरसों का चटनी, मतलब पूरी तरीके से जो है बाहर से कोई चीज नहीं है, आपको किसी भी तरीके से जो है हानि नहीं होने वाला है खाने से। और ये देखिए शानदार ये मिला दिया गया, और ये बनकर जो है तैयार हो गया आपका झालमुड़ी। कितने का बना? ये 10 का बना। देखिए 10 का झालमुड़ी बनकर तैयार हो गया, 10 में मामला यहाँ पर बस हो जाता है। ये ऊपर से चला गया आपका मूंग। तो ये है भाई साहब, और शानदार गाड़ी को देखकर मेरा भी मन किया कि नहीं आपको भी इस गाड़ी को दिखाया जाए। और जिसके पास पैसा नहीं रहेगा मोबाइल से लेते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो देखिए ये ठेला जो है डिजिटल भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर QR भी है, तो आपके पास पैसा रहे या ना रहे ऑनलाइन भी आप सेवा इनसे ले सकते हैं। ये लाइट वाइट भी जलता है पूरा? जरा जला के दिखाइए भाई, कैसे पूरा गाड़ी एकदम चमचमा रहा आपका। तो देख सकते हैं कि गाड़ी जो है पूरा जुगाड़ वाला है, और भारत जो है जुगाड़ों वाला देश। और अब देखिए अब इनकी गाड़ी जो है वो चमचमाती दुल्हन जैसी लगने लगी, और आप देख सकते हैं कि आगे से लेकर पीछे तक, और पीछे से लेकर जो है आगे तक इसी तरीके से जो है लाइट से जो है चमक रहा है। देखिए के मिक्सचर गोड्डा वाला, तो इनका नाम भी है के मिक्सचर गोड्डा वाला है, और गोड्डा में फिलहाल ये राज कर रहे हैं। और ये शानदार सेटिंग देख के मेरा दिल जो है वो गदगद हो गया। तो देखिए ये इंटरेस्टिंग
चीज जो है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप भी बताएं कि इस जुगाड़ को देखकर आपको कैसा लगा, क्या आपने भी कभी इस तरीके से जुगाड़ देखा है या इनसे खाया है कि नहीं खाया है इनका झाल मुड़ी, कमेंट करके जरूर बताएं। तो बने रहे हमारे साथ ऐसे तमाम खबरों के लिए, देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।